सवाल ये है कि व्हाट आर डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। हमने मेथड्स तो पढ़ लिए हैं, आइए अब देखते हैं कि डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजीज का मतलब यह है कि डिफरेंट सिचुएशंस में जो आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए और उनमें जो वेरिएशंस लेकर आते हैं वो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां पर प्राइसिंग स्ट्रेटजी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हम उनको ग्रुप वाइज ही स्टडी करेंगे। तो आपको अगर स्क्रीन पे देखें तो चार ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो कि न्यू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप सब लोग बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं न्यू प्रोडक्ट से क्या मुराद है, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं और प्राइस चेंजेस। ये हमारे पास चार ग्रुप्स हैं जिनके तहत हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को तफसीलन डिस्कस करेंगे। आइए हम सबसे पहले ग्रुप जो है उसके बारे में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और पहले हम जो टेकअप कर रहे हैं वो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को ले रहे हैं। ये अजीजा ने मन दो हैं जो हमारी न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज हैं, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो दो हैं। एक मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग है और दूसरी मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। स्किमिंग और पेनिट्रेशन दोनों ऑपोजिट मार्केट स्ट्रेटजीज हैं। आइए जरा इनका अलग अलग बगौर मुतालिया करते हैं। जो मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, स्किम से मुराद क्या होता है भला? आप लोगों ने स्किम्ड मिल्क सुना है, सुना होगा ना, वो मिल्क जिसकी बलाई उतरी होती है। तो मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग जो है, जो आम तौर पर आप टॉप यानी ऊपर हाई प्राइसेस रख के जब आप अपनी इनिशियली हाई प्राइसेस जब आप अपने रखते हैं, तो जो आपकी स्किमिंग प्राइसिंग है स्ट्रेटजी सेट्स हाई इनिशियल प्राइस टू स्किम रेवेन्यू लेयर्स फ्रॉम द मार्केट। इसमें आपकी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप हाई प्राइस रखते हैं शुरू में, ताकि जो इनोवेटिव कस्टमर्स हैं, जो कि अर्ली अडॉप्टर्स हैं या इनोवेटर्स हैं, जो वो लोग जो कि जल्द न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनसे जो रियल वैल्यू है उसको हासिल किया जा सके। असल में इसके लॉजिक ये होती है कि कंपनीज ये चाह रही होती हैं कि जो हम नई प्रोडक्ट लाए हैं उस पर रिसर्च कॉस्ट हमने इंकर की है, जितनी जल्दी हो सके इससे पहले कि कंपेरेटर्स हमें कॉपी कर लें या कंपेरेटिव प्रोडक्ट्स ले आएं, उससे पहले जल्दी से हम अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी जो कॉस्ट है, रिसर्च कॉस्ट है, उसको रिकवर कर लें। इसी तरह आप देखते हैं कि जो हाईटेक प्रोडक्ट्स, आप सेल फोन्स में देख लो, जब भी नया मॉडल आता है वो महंगा होता है, फिर उसके बाद वो कम होते जाते हैं उसके प्राइसेस। कोई भी टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है तो महंगी होती है और बाद में वो सस्ती हो जाती है। पहले महंगी इसलिए होती है कि स्किमिंग प्राइसिंग यूज हो रही होती है, बाद में सस्ती इसलिए हो जाती है कि एक तो कॉस्ट रिकवर हो जाती है, दूसरा जब कंपटीशन आता है तो फिर प्राइसेस को नीचे लाना पड़ता है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन बदल जाती है। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट क्वालिटी है एंड इमेज है उसको सपोर्ट करना चाहिए स्किमिंग प्राइसिंग को, क्योंकि अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हैज टू बी डिफरेंट, डिफरेंशिएटेड होना चाहिए उसको, वरना ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के लिए कोई आपको हाई प्राइस नहीं देगा। फिर जो बायर हैं, दे मस्ट वांट द प्रोडक्ट एट दैट प्राइस। ये ना हो कि आप हाई प्राइस दे दें लेकिन कस्टमर उसको पसंद ना करें। क्लियर हुआ आपको स्किमिंग प्राइसिंग? ग्रेट, आपको मालूम हो गया कि अब हम इनिशियली हाई प्राइसेस सेट करते हैं तो उसको हम मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग कहते हैं, उसकी रीजंस मैंने आपको बता दी। दूसरी जो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है। आपको याद है कहीं हमने मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी भी पढ़ी थी? मुझे मालूम है कि आपको याद है कि जब हमने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग मार्केट में मोर शेयर हासिल करना होता है, पेनिट्रेट करना होता है, तो हम पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी लाते हैं। पेनिट्रेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी होता है। आप क्या करते हैं, यानी दिस इन्वॉल्व सेटिंग अ लो प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन अ लार्ज मार्केट शेयर। आप अपनी प्रोडक्ट को लो प्राइस पे निस्बतन ऑफर करते हो और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द अज जल्द आपकी प्रोडक्ट को की तरफ अट्रैक्ट हों और आपकी प्रोडक्ट जो है
उसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट के अंदर बने। अब मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।